हमारे देश के हर शहर के अंदर दो पाले बटे हुए हैं। एक एरिया ऐसा है जिसे संवेदनशील डिक्लेयर कर दिया गया है और दूसरा एरिया है जहां पर सब लोग आराम से रह लेते हैं। देखिए, कश्मीर से एक मास एक्सोडस हुआ, सब बात करते हैं, और वो भी बात अब होनी शुरू हुई है। जब एक्सोडस हुआ था 92 में, उस टाइम पे तो अखबारों में खबर भी शायद छोटी छोटी सी छप गई थी, उसके बाद वो मामला ही दब गया था। और कैसे पावरफुल लोगों को और पावर दे दी गई है कि वो उन कानूनों का गलत इस्तेमाल करके और अपने एक तो राजनीतिक रोटियां सीख रहे हैं और लैंड ग्रैब कर रहे हैं। कुछ फिल्में आती धीरे से हैं, लेकिन उसके बाद मानो कि एक तूफान आ जाता है। जो सब्जेक्ट वो फिल्में लेकर के आती हैं, जो कहानी वो बयां करती है, वो अपने साथ बहुत गहरे सवाल लेकर के आती हैं। अब वो सवाल लोगों को अलग अलग अपने अपने तरीके से, अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अलग अलग लग सकते हैं। कईयों को वो विवाद लग सकता है, कईयों को वो किसी और तरह का ज्वलंत मुद्दा लग सकता है, और कईयों को वो कोई एक ऐसा सच लग सकता है जो फिलहाल लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसी ही एक फिल्म आ रही है, आखिर पलायन कब तक। जी हाँ, अपने में ही ये जो सवाल पूछ रही है ये फिल्म, इसके जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। फिल्म की टीम हमारे साथ है, हमारे साथ है मुकुल विक्रम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है चित्रंजन गिरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है भूषण पटियाल, भूषण आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुकुल, आपने फिल्म डायरेक्ट की है, इस फिल्म की अगर हम सोल की बात करें, ये जो सवाल है, पलायन कई तरह के होते हैं, पहले तो आप किस पलायन की, किसके पलायन की और कहां से पलायन की बात कर रहे हैं? देखिए, हमारे देश के हर शहर के अंदर दो पाले बटे हुए हैं। एक एरिया ऐसा है जिसे संवेदनशील डिक्लेयर कर दिया गया है और दूसरा एरिया है जहां पर सब लोग आराम से रह लेते हैं। तो उस संवेदनशील एरिया का जो दायरा है, वो संवेदनशील एरिया का दायरा बढ़ता जा रहा है और उन्मादी लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो उन लोगों, जो लोग वहाँ से निकलते हैं, देखिए, कश्मीर से एक मास एक्सोडस हुआ, सब बात करते हैं, और वो भी बात अब होनी शुरू हुई है। जब एक्सोडस हुआ था 92 में, उस टाइम पे तो अखबारों में खबर भी शायद छोटी छोटी सी छप गई थी, उसके बाद वो मामला ही दब गया था। आज हम उन कश्मीरी पंडित की बात नहीं कर रहे, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग मजबूर हैं आज एक एक दो दो करके छोड़ने पे। हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि एक बोर्ड हमारे देश में बना दिया गया है जिसके पास अनलिमिटेड पावर है। वो अनलिमिटेड पावर ऐसी है कि वो इस बिल्डिंग को बोल दे उसकी है तो उसकी हो जाती है। तो हम उस एग्जोडस की बात कर रहे हैं, उस पलायन की बात कर रहे हैं जो आज है, जो आज हो रहा है, हर शहर से हो रहा है। कैराना में हुआ और नू में हुआ। तो हम उन पलायन की बात कर रहे हैं और कैसे पावरफुल लोगों को और पावर दे दी गई है कि वो उन कानूनों का गलत इस्तेमाल करके और अपने एक तो राजनीतिक रोटियां सीख रहे हैं और लैंड ग्रैब कर रहे हैं। भाई, एक बोर्ड जब बना 8000 एकड़ जमीन और 2022 में 8 लाख, ऐसा कैसे है? मतलब इतना दान कौन दे रहा जमीनों का? हमारे देश में तो वैसी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो कहाँ इतनी जमीनें खाली हो रही हैं? तो चलिए, बहुत बहुत ही तकनीकी भी और वाकई में ऐसे सवाल भी यहाँ पूछे जा रहे हैं इस फिल्म में, जो कई विवाद भी ला सकता है। भूषण, बतौर एक्टर आप फिल्म के साथ जुड़े हैं, लेकिन क्योंकि फिल्म को करने में एक तरह से आप उस पूरी कहानी को जी लेते हैं और उस सब्जेक्ट के साथ कहीं ना कहीं आपका वो राबता रहता है, उसको समझ के उसके बाद ही आप उसमें इनैक्ट करते हैं, तो ये जो विषय है ये बहुत संवेदनशील है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे, क्या आप ये ऐसे विषय की फिल्में आप क्यों लेकर के आए हैं, क्या आप ये कम्युनल विषयों पर फिल्म बनाना चाहते हैं, क्या वाकई में ऐसा है? एज एन एक्टर आप फिल्म से जुड़े हैं, लेकिन ये जो कहानी फिल्म कह रही है कि एक दो अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ क्यों नहीं रह पा रहे हैं, कुल मिला के कहानी ये बयां कर रही है, तो इसे कम्युनल विचारधारा की फिल्म क्यों ना माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं है।
जब आप फिल्म देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि फिल्म क्या बताने की कोशिश कर रही है। और फिल्म में जो एक मैसेज है वो ये है कि आप अवेयर हो जाओ, क्योंकि ये जो उन्माद, ये जो पागलपन है, एक विशेष समुदाय की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे वो उन्माद कहीं ना कहीं दिखता है। वो नहीं दिखना चाहिए। वो क्यों दिख रहा है, मतलब कौन लोग हैं जो उनको इस तरीके से एजुकेट कर रहे हैं, या क्यों ऐसे, जैसे कि बोर्ड की बात की गई, वक्फ बोर्ड की बात की, क्यों ऐसी चीज़ों को वो पावर दी जा रही है कि वो इस तरीके की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आज जैसे कि डायरेक्टर साहब ने कहा, जैसे कि जब हमें स्क्रिप्ट दी गई तो हमारे सामने तथ्य भी रखे गए, बहुत सारे ऐसे तथ्य रखे गए। तो एक तथ्य ये भी रखा गया कि तमिलनाडु में ऐसा हुआ, 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड ने हत्या लिया, ये हुआ वो हुआ। जब इतने सारे तथ्य जब हमारे सामने रखे गए तो हमें लगा इस स्क्रिप्ट में कुछ तो है, कुछ तो है जो राइटर ने लिखा है, कुछ तो है जो डायरेक्टर अपनी बात को कहना चाहता है। जब राइटर और डायरेक्टर ऐसी बात समाज के सामने रखने की हिम्मत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं तो हमें लगा हमें एक्ट करने में क्या जाता है, हमें करना चाहिए। और जहाँ तक मैं अपने रोल की बात करूँ, उसमें एक पावरफुल डायलॉग है जो आपने शायद ट्रेलर में भी सुना होगा, कि ऐसा या तो किसी के दबाव में होता है या फिर किसी के प्रभाव में होता है। अगर आज ऐसा हो रहा है जो आपको कहीं ना कहीं, आज कई हादसे हुए हैं, अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ, हल्द्वानी वाला हादसा हुआ कि सरकारी ज़मीन पे एक मस्जिद बनाई गई थी और उसको तोड़ दिया गया, और वहाँ पे किस तरीके से दंगे को आग दी गई, पुलिस वालों को जलाने की कोशिश की, तो ये या तो किसी के दबाव में हो रहा है या फिर किसी के प्रभाव में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बल्कि तमिलनाडु में 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ बोर्ड ने अपना बोल दिया, वहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और सोलापुर में कितने गाँव की ज़मीन वक्फ बोर्ड ने अपने नाम पर कर दी, वहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। नासिक में हम एक परिवार से मिले, वो सेकेंड जनरेशन वक्फ बोर्ड के चक्कर काट रही है, और अप्रैल के महीने में उन्हें बुलाया जाता है 12-1 बजे, और कड़ी धूप में, आपको पता है महाराष्ट्र में क्या गर्मी होती है, वहाँ तो कोई ऐसा नहीं हुआ। और भी कई ऐसे मुद्दे, यानी कि ये जो विषय है ये इम्पोर्टेंट विषय था, और मेरा जो करैक्टर है इसमें वो ऐसे ही विषय को उजागर करता है। तो मुझे मेरा करैक्टर बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि, और मैं इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहा हूँ, मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ, और मुझे लगा कि ये मेरी परफेक्ट एंट्री होगी और ये मेरा फेवरेट रोल है। और ऐसा रोल करना एक आर्टिस्ट के लिए ना बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात है कि मैं एक ऐसा रोल कर रहा हूँ जो समाज में एक संदेश दे रहा है। चित्रंजन, आप भी जुड़े बतौर अभिनेता हैं, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि फिल्म के विषय की, इसे लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, कई विवाद भी अब सामने आ रहे हैं। सीधा सीधा फिल्म सवाल जो उठा रही है, आपकी उस पर क्या राय है, बतौर अभिनेता भी और बतौर एक प्रबुद्ध जीवी भी? देखिए, पहले इस फिल्म से मेरा सामना या जुड़ाव जो भी हुआ वो एज एन एक्टर हुआ। एक डायरेक्टर है मेरे पास, जैसे बाकी डायरेक्टर्स आते हैं और रोल सुनाते हैं और कैरेक्टर्स देते हैं, वैसे ही मैंने एक, ये मेरे पुराने मित्र हैं, काफ़ी समय से फिल्म बना रहे हैं और सोच रहे हैं फिल्मों के बारे में। तो जब वो आए कि एक आपके लिए कैरेक्टर है, आप सुन लीजिए, और मैं सर्च कर रहा हूँ मेजर या मेन कैरेक्टर, मैं ढूँढ रहा हूँ और चैलेंजिंग कैरेक्टर ढूँढ रहा हूँ, इसलिए मैं काम बहुत कम करता हूँ। तो जब ये आया तो मुझे लेंथ के हिसाब से, मैंने रोल पहले ध्यान से रोल सुना और मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया जहां आप, जिस पे ये बात हो रही है, मेरा ध्यान गया ही नहीं। मैंने, मुझे लगा ये मर्डर मिस्ट्री है और ये उस पर एक पत्रकार की भूमिका मेरे पास लेके आए जो मेरे हिसाब से लेंथ के हिसाब से कम है। तो मैंने कहा मुझे, मैं नहीं करूँगा अभी ये सब, मैं करेक्टर नहीं कर रहा हूँ। तो इन्होंने उसके बारे में और विस्तृत मुझे जानकारी दी कि देखो क्या है, आप ये, आपने ये सुना है, आपने इसके बारे में सुना है। तो मैंने कहा मैंने देखा तो है लेकिन कभी ऐसे ध्यान नहीं गया कि कुछ ऐसा इसमें गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा
ये तथ्य हैं उसके, ये देखिए अब ये कैरेक्टर इस तथ्य को इस तरह से बात कर रहा है। तो देखिए, हम सब आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव हैं, हमें भी एक ऐसा महसूस होता है कि समाज के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिसको अच्छे और बुरे न सोच के न्यूट्रल होकर पहले सोचना चाहिए कि अगर हम क्रिएटिव वर्क में एज एन एक्टर समाज को कोई मैसेज दे सकें थिएटर से या फिल्म से, और जो ऐसा मैसेज हो जो समानता की बात करता हो या एकता की बात करता हो, तो ये कैरेक्टर में वो सब था। ये ब्रिज की तरह है पूरी फिल्म में, इसके बिना ये फिल्म बन नहीं सकती। और ये विवाद नहीं कर रहा है, ये एक लाइन फिल्म में बोलता है कि गलत को अगर गलत नहीं कहोगे तो जो ना समझ है वो उसी को सही समझ बैठेंगे। तो जब ये सब डायलॉग मैंने सुने तो मुझे लगा कि जो भी गलत है या सही है उसको अगर सुधारा जाए तो उसमें गलत क्या है। अगर सुधर जाए वो और किसी वजह से, फिल्म की वजह से या किसी भी वजह से, आपकी वजह से, मेरी वजह से, इनकी वजह से कुछ चीज़ें सुधर जाएं, तो उसमें क्या वजह है, और बिना किसी को तकलीफ किए। क्योंकि देखिए, अन्याय किसी पर नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह का इंसान। इसलिए इस फिल्म में एक लाइन है जो ये जिक्र करेंगे, जो लास्ट में ट्रेलर में भी है, कि कुछ भी होता है दबता तो इंसानी है। तो ये कैरेक्टर उस तरह के थॉट की बात करता है, और जब आप फिल्म देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये भीख नहीं मांग रहा है किसी से, ये भीख नहीं मांग रहा है, ये कह रहा है कि आप ये चीज़ ऐसे करें, ये गलत है ये सही है, अब आप चूज करिए, आप चुनिए क्या करना चाहते हैं, जो हम सब के लिए भला वो चुन लीजिए। बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है आपका इसमें। एग्जैक्टली मुकुल, जब आपने इस फिल्म के लिए रिसर्च की होगी या जब ये आइडिया आपके जहन में आया, रिसर्च के लिए जाहिर सी बात है कि आपको लोकल अथॉरिटीज़ से भी बात करनी होती है, रायशुमारी भी आपको चाहिए होती है, लीगल एंगल्स ऐसी फिल्मों के साथ अक्सर बहुत सारे होते हैं क्योंकि लोगों की संवेदनाएं आहत होने का आरोप अक्सर लग जाता है ऐसे विषय के फिल्मकारों पर, तो उन सब बातों को दिमाग में लेकर के आप चले थे, क्या रही थी पूरी तैयारी की जर्नी? देखिए, हम लोगों ने काफ़ी लंबे टाइम तक रिसर्च की है, और देखिए अगर सच कहने से भावनाएं आहत होती हैं तो क्या सच बोलना बंद कर देना चाहिए? आप बताइए, मतलब अगर आप सच बोलते हो और सच बोलने से भावनाएं आहत हो रही हैं, और सच ऐसा भी नहीं कि दबा छुपा सच, सामने खड़ा हुआ सच जो आंखों के सामने नजर आता है। ये मुद्दा कैसे जहन में आया, कैसे मुकुल इस पे फिल्म बनानी चाहिए, कुछ कोई एक कहते हैं कि कोई एक ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है जब आपको लगता है? सब लॉकडाउन में बैठे हुए थे और बहुत ड्रामा चल रहा था लॉकडाउन में चारों तरफ, सब लोग घर में बंद थे, वक्त मिला था सोचने का। तो सिंपल सा एक इंसिडेंट हुआ, वहाँ से मेरे दिमाग में ट्रिगर हुआ कि यार ये गलत हो रहा है। एक जगह पे डॉक्टर्स को हार पहनाए जा रहे हैं और एक जगह पे पत्थर मारे जा रहे हैं, ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, आप सोच के देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी क्या गलती थी जो पत्थर खा रहे हो, मारा जा रहा है उन्हें। तो ये बहुत सोचने वाली बात थी, वहाँ से मेरे दिमाग में ट्रिगर हुआ था। और फिर मेरी प्रोड्यूसर सुहानी जी, वो आज आ नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली, उनसे साथ मेरा डिस्कशन हुआ। तो फिल्म के प्रोड्यूसर जो सुहानी है वो ये भी कह रही है उन्हें उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं, उन्हें जो है कई ऐसे थ्रेट कॉल्स आए हैं, क्या ये सच है? देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, मुझे भी गालियाँ मिल रही हैं, तो अब हम लोग हैं सोशल मीडिया पे तो गाली भी खाते ही हैं, क्या करें। बट देखिए, फिल्म है, स्ट्रॉन्ग मुद्दा है, हम अपनी बात कह रहे हैं, तो हमें अपनी कोई तो आके बढ़ के बात करे, कोई तो बोले, हम लोग क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बात कर सकते, क्या मतलब कब तक घर में बैठ के बैठे रहेंगे हम लोग, आप सोच के देखिए। और ऐसा हमने कुछ ऐसा गलत नहीं बोला, हम लोग ये कह रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है मुकुल, क्योंकि जब आपने रिसर्च की होगी तब ये बातें भी आपके सामने आई होगी कि वो जो अथॉरिटीज़ जो जानती हैं, मान लीजिए कि अगर बात मुद्दा ये हो रहा है कि जो अधिग्रहण है ज़मीनों का वो गलत तरीके से हो रहा है, जो होने दे रहा है उसके पीछे उसका क्या मंतव्य है? देखिए, 1955 में कानून बना,
उस कानून में सिंपल सी एक चीज थी कि जो लोग छोड़ के गए हैं पाकिस्तान में, उनकी जो जमीनें हैं उनको टेक केयर करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। सिंपल सी चीज थी। उसके बाद उसमें बदलाव किए गए और बदलाव करते 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 वो यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब वो इनविंसिबल हो चुका है। तो ये क्यों बनाया गया होगा ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये जो विषय आपने उठाया है, क्या आपको ये लगा मुकुल के उससे कहीं विवाद भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अब कई मामले ऐसे हैं जो चिंगारियों का इंतजार करते हैं, तो क्या आपको लगा कि ये एक ऐसा मामला है जिससे विवाद पैदा हो सकता है? देखिए, हमने कोई विवाद करने के लिए फिल्म नहीं बनाई है, ना ही ऐसा कोई विवाद दिखता है। सिंपल सी चीज़ है, दो चीज़ें हैं काफ़ी सारी चीज़ें हमने एक स्टोरी में पिरो के मैसेज दे के छोड़ा है। हम लोगों ने एक ऐसा नहीं कि हमने कोई प्रोपागेंडा रेडी कर दिया कि नहीं यार ये प्रोपागेंडा, हमें तो ऐसे ही फेंकना है चीज़ को, नहीं ऐसा नहीं है। फिल्म है, कहानी है, कहानी के अंदर हमने कुछ मुद्दे पिरोए हैं और वो स्ट्रांगली हमने कह के निकले हैं उन मुद्दों को। तो ऐसा नहीं है कि हमने विवाद पैदा करने की कोशिश की है, विवाद पैदा करा जाता है, हमने नहीं किया है। बिल्कुल, जैसा कि मुकुल बता रहे हैं कि क्योंकि इस फिल्म के निर्देशक हैं तो उन्हें सोशल मीडिया पर कई तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं या फिर कई बातें लिखी जा रही हैं, क्या आप भी फिल्म में हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ? देखिए, कमेंट्स और गाली गलौज तो होता ही रहता है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे आते ही रहते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए। देखिए, वो अब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं तो हम अब पात्र हैं बधाई के भी और गालियों के भी और थ्रेटनिंग के भी। हो सकता है कल दिन कोई इनका गला पकड़े, बहुत कुछ हो सकता है, मगर सच को कहना, इतनी बेबाकी से कहना, फिल्म के माध्यम से कहना, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिल्म समाज का आईना है। अगर एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं या फिर कुछ ऐसा मैंने कहीं सुना था कि आज वर्ल्ड में कुछ भी होता है ना तो हमें लगता है कि FBI आएगी और उसको ठीक कर देगी, क्योंकि हॉलीवुड की फिल्मों में FBI को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। आप भी देखते आए, मैं भी देखता आया हूँ। तो फिल्म समाज का आईना होता है और वो हमारे दिमाग पे असर डालता है। तो अगर आज ये फिल्म है तो ये फ्यूचर की फिल्म है, बजाय इसको 2050 में रियलाइज करने के कि हाँ यार एक फिल्म आई थी 16 फरवरी को 2024 में, अगर वो फिल्म देखी होती या उस फिल्म से हमने अवेयर हम हुए होते। ये फिल्म अवेयरनेस की फिल्म, आप हम वो लोग जो जानना चाहते कि क्या ये एक एजेंडा फिल्म नहीं है, ये एक अवेयरनेस फिल्म है। ये 140 करोड़ लोगों को जरूर देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? इसलिए क्योंकि ऐसे कानून आने वाले समय में समाज में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करेंगे। तो आने वाले भविष्य में रोने से बेहतर है आज इस फिल्म को देख लो और इस फिल्म में जो बातें बताई गई है उन पे अपनी आवाज़ उठाओ और ऐसे कानून की या तो पावर कम करवाओ या फिर ऐसे कानून को ख़त्म करवाओ। मेरा मानना ये है, जिस तरीके के तथ्य मेरे सामने इन्होंने रखे हैं, मैं समझता हूँ कि ये किसी भी कम्युनिटी के लिए खराब है। ऐसे कानून नहीं होने चाहिए, ये किसी भी देश में नहीं है, सिर्फ भारतवर्ष में है। और मैं समझता हूँ ऐसा कानून बनाने की मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी को ज़रूरत थी। बनाई गई वोट बैंक के लिए क्यों बनाई गई मुझे नहीं मालूम, मगर नहीं बनने चाहिए। मुकुल, आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस के लिए भी ये फिल्म है, तो ये जब फिल्म बनी तो अभी इसकी स्क्रीनिंग क्या आपने की ऐसी जगहों पर या फिर ऐसी अथॉरिटीज़ के सामने जो समझ सकें कि एग्जैक्टली आप क्या कन्वे करना चाहते हैं? देखिए, हम कोई स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग ना लोगों को दिखा रहे हैं। फिल्म रिलीज होगी, आप थिएटर में जाके देखिए। हम लोग कोई प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं, आप फिल्म देखिए। हम लोगों ने ये नहीं कि जगह जगह जाकर और लोगों को भड़काने की कोशिश की, हमने आज तक फिल्म किसी को नहीं दिखाई है। इवन कुछ जो हमारे मेन पार्ट हैं फिल्म से, सिर्फ उन लोगों ने फिल्म देखी है, बाकी किसी ने फिल्म भी नहीं देखी आज तक। हम एक प्रीमियर करेंगे फिल्म का, आप प्रीमियर में आइए, जो लोग हमारे पर्सनल हैं वो आएंगे। फिल्म थिएटर में ही रिलीज होगी, आप थिएटर में जाके देखिए। हम कोई, मैं वही आपसे बोल रहा हूँ, कोई क्यों आपको ये लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए, जिसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए और अगर संभव हो तो इससे जुड़े जो कानून है वो भी बदलने चाहिए? तो इसके लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है
कि जो जहाँ बैठे हुक्मरान हैं या फिर जो वो लोग बैठे हैं सत्ता के गलियारों में जो फैसले ले सकते हैं उन तक कि ये पहुँचे और वो भी समझे कि क्या कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। देखिए जब फिल्म जब थिएटर्स में लगेगी तो लोग देखेंगे और लोग बात करेंगे, अपने आप मैसेज चला जाएगा। प्रॉब्लम वहाँ होती है कि लोगों को पता ही नहीं है, मतलब अभी हम लोग अभी न्यूज़ चैनल में गए थे तो वहाँ पे 24-25 साल की लड़की थी, वो हमारा इंटरव्यू ले रही थी, तो मैंने उससे पूछा आपको पता है क्या है, कहते नहीं पता। तो अगर ऐसे लोगों को पता लगेगा, लोग बात करेंगे तो फिर आगे जाके वो बातें ठीक भी होंगी। जब आप बात ही नहीं, जब आप कह रही थी आपको डर, आप मतलब ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, अरे हम बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं कि भाई देखो ऐसी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमारे देश में, हो रहा है हमारे देश में, तो ये नहीं होना चाहिए। तो हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, एक्चुअली अवेयरनेस फैला रहे हैं। और हमने आज तक किसी को फिल्म नहीं दिखाई, नहीं दिखाएंगे। आप थिएटर्स में देखिए, आपको पता लग जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और हम यही मान करके चलते हैं कि जो संदेश देने की कोशिश की गई है, आखिर पलायन कब तक में जो बताया जा रहा है, फिल्म की टीम से आपने जो बातचीत की सुना वही होगा, और इसके लिए आपको थिएटर में जाकर के खुद तय करना होगा। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसी फिल्मों को समझने के लिए, जानने के लिए और उस संदेश को समझने के लिए कि आप उस फिल्म को जाकर के थिएटर में देखें और फिर अपनी राय बनाएं, ना कि ये किसी के कहने पर या सुनने में कि क्या ये विवाद है, ये क्या ये प्रोपोगंडा है या फिर एजेंडा है। तो आप जा करके देखें और फिर अपनी राय बनाएं, लेकिन ऐसी फिल्मों को देखना बहुत ज़रूरी। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हमने फिल्म का टीजर डाला था, किसी को नहीं दिखाया, हमारे पास फोन आ गए और लोग हमारे मंच पे आ गए कि हमारे साथ हो रहा है, सिर्फ टीजर देख के। कि उनकी जमीनों पर एक तय बोर्ड ने कब्जा कर लिया है, वो हम लोगों ने बुलाए नहीं थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने खुद हमसे आके बोला कि हम लोग अपनी बात आके कहना चाहते हैं। तो हमने, मैं अगेन वही बात बोल रहा हूँ कि जब आप कोई चीज़ सच्चाई देखते हो, कोई सच देखते हो, तो लोग बाहर आते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो आप बात करिए, बात करने से ही चीज़ों का हल निकलता है और आगे चल के ऐसे ही हल निकलने वाला है। बहुत हो चुका है ये सब, आगे चल के ऐसे ही बात करने से हल निकलेगा। और आप बात कीजिए, हमारा यूथ बात करेगा तो आगे बातें चलेंगी, बाकी बात बढ़ेंगी। न्यूज़ वाले ही बात करें, उन्होंने बात उठाई, सांसद जी ने बात उठाई, ऑलरेडी उठा चुके, पार्लियामेंट में उठा चुके। तो ये बताइए मुकुल, के अभी पीछे कई तरह की बातें चली थी और एक ऐसा जो ये टर्म कॉइन हुई थी लैंड जिहाद के नाम से, ये इस टर्म को कॉइन किया गया था, तो क्या वो भी कहीं ना कहीं ये टर्म कॉइन की जो की थी ये भी आपके जहन में रही? देखिए वो एक अलग चीज़ है बिल्कुल। यहाँ हम बात कर रहे हैं कानून की, ये जो आप बोल रहे हैं ये एक अलग चीज़ है, और ये जो हम बोल रहे हैं ये कानूनी तौर पे हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, ये कानूनी तौर पर है क्योंकि वो एक गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट की संस्था कर रही है, और जो आप बोल रही हैं वो कई तरीके से, शायद कई सोर्सेज से हो रहा होगा, बट ये गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट सैलरी देती है उन्हें और वही लोग इनको कर रहे हैं। चलिए, तो आखिर पलायन कब तक, ये आप थिएटर में जाकर के ज़रूर देखिएगा। और जिन तमाम सवालों को उठाया है यहाँ पर चितरंजन ने, मुकुल ने और भूषण ने, उन सवालों के जवाब जानने के लिए आपका ये फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है। फिल्म देख करके अपनी राय दीजिएगा और हमें बताइएगा कि फिल्म आपको कैसी लगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, चितरंजन आपका, मुकुल आपका और भूषण आपका।